बाबा के कासगंज आश्रम में पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। आपको बता दें, हैंडपंप हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई है। हैंडपंप से चमत्कार का दावा करता था बाबा, और आप देखिए अब बड़ी कार्रवाई इस वक्त प्रशासन की। हैंडपंप हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई है। जिस तरह की घटना हुई उसके बाद आप देखिए किस तरह से तमाम लोग इस घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई, और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई हैंडपंप इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। जी न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है, और इन्हीं हैंडपंप को हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पर पहुंच गई है। बड़ा दावा यह किया जाता था किस तरह से ये जो हैंडपंप है इससे चमत्कार होता है, तो बाबा के दावा के बीच आप देखिए किस तरह से इसको हटाने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है, और अंधविश्वास वाले हैंडपंप पर हथौड़ा चलेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और हैंडपंप पर किस तरह से आप देखिए कार्रवाई हो रही है। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजू राज का, जो पहले दिन से इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजू राज, हैंडपंप से चमत्कार का दावा किया जाता था, लेकिन अब इसको हटाने के लिए प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई। बिल्कुल शिवांगी, बता देना चाहता हूं कि यहां पर बाबा के आश्रम के ठीक पास यहां पर 10 हैंडपंप लगे थे, जिसकी तस्वीरें कल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी, कैसे इस हैंडपंप से चमत्कार का दावा किया जाता था। जो भी बाबा के कहने पे इसका पानी पीता है उसकी बीमारी दूर हो जाती है, लेकिन आज यहां से लगभग 2 हैंडपंप को यहां से हटा लिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए, अब से कुछ देर पहले, लगभग 5 मिनट पहले यहां पर 2 हैंडपंप हुआ करते थे, उसे यहां से हटा लिया गया। इसका 2 कारण है। दूसरे की एक शिकायत लगातार प्रशासन को इस बात की मिल रही थी कि जो ये जो खेत देख रहे हैं, जिस शख्स का ये खेत है, वो उसके खेत के ठीक आगे ये हैंडपंप लगा दिया गया था, और पिछले कई सालों से यहां पर हैंडपंप लगा था, वो अपने खेत में ट्रैक्टर नहीं उतार पा रहा था। ये शिकायत थी, जिसके बाद आज यहां पर हैंडपंप थे, कितने हैंडपंप हटाए गए थे। कैमरामैन से कहिए कि पैन करके पूरी तस्वीर दिखाएं और किस तरह से इसको हटाने का काम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन राजेश द्विवेदी को कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो हैंडपंप लगे हुए थे, 10 हैंडपंप यहां पर लगे हुए थे, जिसकी तस्वीर कल भी हमने दिखाई थी, और आज यहां से लगभग 2 हैंडपंप को हटा लिया गया है। अभी कुछ देर पहले ही, 5 मिनट पहले ही, ये जो हैंडपंप है, यहाँ 2 हैंडपंप था, ये रास्ता था किसी के खेत में जाने का, इसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद इस हैंडपंप को यहाँ से हटा लिया गया है। और ये दावा किया जा रहा था कि इस हैंडपंप से जो चमत्कारिक पानी निकलता है, जिससे लोगों की बीमारियां दूर होती है, उस हैंडपंप को, 2 हैंडपंप को यहां से हटा लिया गया। तो ये जो आप खेत देख रहे हैं, जिनके खेत में यहां पर ट्रैक्टर नहीं जा पा रहा था, हैंडपंप से लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन आज इस हैंडपंप को हटा के, ये बताए कि हैंडपंप को हटा। राजू, आपके साथ वहां पर कई स्थानीय लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करें। आपका खेत था? हाँ, हमारा खेत है। अच्छा, तो ट्रैक्टर नहीं ले जा पा रहे थे? यहाँ सब चीज जाती थी। अच्छा, हाँ, अब तक फसल होती थी। अच्छा, हाँ, चक्कर ये है, हाँ, वो है दड़ा, हाँ, इन लोगों ने जोत रखा है, हाँ, लेकिन ये लोग ये ना चाह रहे हैं ये दड़ा निकले। अच्छा, ये दड़ा है, वहाँ गूल भी है मौजूद। अच्छा, हाँ, कुछ और लोग भी हैं। आप बताइए कि यहाँ से हैंडपंप हटा लिया गया है? भैया, यहाँ से सब निकलता है, जब खेत जोतने आते हैं तो नल हटा दिया जाता है, नल जैसे लगा रखा है जनता के लिए। अच्छा, चक्रोट, ये आप यहाँ सेवादार हैं? नहीं, हम भैया गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं। अच्छा, हाँ जी, तो ये हटा लिया गया। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, जिनका यहाँ पर खेत था, जिनका हैंडपंप था, उनसे भी बात करते हैं, और बाबा की जो अनुयायी है उनसे और तमाम लोगों से बातचीत भी करिए। आप ये बताइए की किस तरह का दबदबा था बाबा का? बिल्कुल, ये हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर हाँ, यही आपत्ति है, हमारे खेत में ट्रैक्टर नहीं जाता है। अच्छा, और एक एक घंटा खड़े रहते हैं हम। अच्छा, हाँ, क्यों नहीं जा पाता है? ये नल वगैरह लगा रखे और ये चक्रोट डाल दिया मेरे और ऊंट की गाड़ पे डाल दिया, और यहाँ पे बागे तो हमें का दिक्कत ही। जब चक्रोट डाला तो नीचे हो तो जाने करने में आसान है, न ट्रैक्टर लेकर न कुछ, और इधर जो देखो लाइन लगा दे, ये नल। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं की थी? हमने कई कई पुलिस में गए और लेखपाल हुआ आए, सब काम करवाए, लेकिन इसके पास भी गए थे। हाँ, एक्शन हुआ था? एक्शन जहाँ आए आए सब और चले गए, पर नहीं कछु ना होता, कुछ एक्शन नहीं हुआ। आप बताए कोई एक्शन हुआ था? कोई एक्शन नहीं हुआ था। राजू, इनसे ये भी पूछिए कि इस इलाके के अलावा भी कहीं और क्या हैंडपंप इस तरह से लगाए गए थे, या सिर्फ यही एक इलाका है जहाँ पर हैंडपंप मिला? हमारा खेत है,
देखिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। ये बताइए कि आपका 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 भी खेत है यहाँ पे? हाँ ये खेत है। क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये है कि इधर चक्रोट है, पल्लक डाल दिया है, जो चक्रोट ये और है पास है, इधर नहीं डाला है। वो अब तक पास है वो डाल दिया है, और है पास है खेत में कर दिया है। खेत में कर दिया सर, मैं बोल रहा हूँ ये मेरा खेत है यहाँ पे, मेरे रोड के किनारे खेत है, इनका भी खेत है, ये मतलब दूसरे गांव के हैं, हम अपने गांव के हैं बाजू नगर के, ठीक है ना। हमारा खेत है ये गूल है ये वाली, इसमें चक्रोट है ये देते नहीं। और बताओ लेखपाल और कानून को यहाँ पर डाला निकट जाएगा? जब बताओ डाला नहीं है, माम के फिर तक डाला है, उसके बाद मेड़ है, इनसे राजी भाई से उतर मांग ली, इनसे को खेत दिया, हम बराबर रिश्तेदार हैं आपके, ठीक है। दिक्कत क्या आ रही है? हमें दिक्कत आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है जनता बराबर, जनता की नाली है और नाली के बाद चक्रोट सब मेरे में पड़ा है। आपका भी खेत है? हाँ हमारा भी। क्या दिक्कत है? ये आखिर डालो नहीं है इस पे, जो अदबर तक है वो ना आएगा, और जो जबरदस्ती डाल लिया, किसी तरह का दबाव भी है, दबाव होता है। हाँ जो जबरदस्ती डाल लिया, जबरदस्ती डाल दिया। हाँ आज तो हटा लिया, क्या आप खुश हैं? हाँ क्या खेल बजा लिया क्या? मैं रिश्तेदार बराबर हूँ इनका, चल रिश्तेदार हूँ, क्यों ना कह रहे तू का तरीका, क्यों ना कहूँगा रिश्तेदार ना तो बराबर, क्यों ना रिश्तेदार? आपका खेत है यहाँ? हाँ हमारा खेत है अगला, उसके लिए रास्ता ही नहीं है, रास्ता नहीं है, रास्ता चक्रोट बंद कर लिया हमने। किस लोगों ने रास्ता बंद किया था? है? किन लोगों ने रास्ता बंद किया? अच्छा निकला हुआ था। ये दिक्कत यहाँ पर दिखाता है, प्रशासन की टीम यहाँ पर, सर यहाँ से नल हटा गया था, लगातार शिकायत मिल रही थी कि नल की वजह से लोग अपना ट्रैक्टर नहीं ले जाते हैं। अरे सर मुफरी कैसे बहेगी बीच में, मुफरी कहाँ से बहेगी? सर ये नल क्यों हटा लिया गया? पता नहीं, हम तो पहली बार आए हैं। अच्छा आप यहाँ रहते हैं? अरे तो अरे सर ओनली एक मिनट मेरी, हमें ड्यूटी करने आया ना। मैं बता रहा हूँ ये मुंबली कहाँ से बह गई है, ये बताओ आप, ट्रैक्टर नहीं निकला, ये मुंबली कहाँ से बह गई, ये बताओ, ये मुंबली हमारे खेत से ट्रैक्टर निकला, ठीक है ना सर? तुम्हारा खेत इधर से है? हमारा खेत रास्ता रास्ता ये तो है, रास्ता तो इधर से है, पहले नंबर मेरा खेत है, तो इधर से है। हाँ रास्ता इधर से क्यों जाएगा नल? हाँ एक मिनट, इस रास्ते से क्यों जाएगा भैया? अरे मेरी बात सुनोगे आप सर? आप बताइए कि आप यहीं पे हैं? हम बट थाने जाइए, इसी थाने पे तो यहाँ क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत है अभी कुछ नहीं थी, अब ट्रैक्टर, हाँ लोग कह रहे ट्रैक्टर नहीं जाने दे रहे थे, नहीं ट्रैक्टर कोई कोई आप आपका ट्रैक्टर जाने दे रहा था? ट्रैक्टर साहब एक घंटा रुको रहता है राजू, ये भी सवाल पूछिए कि जब ये लोग इस पूरी कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहे थे तो इनको क्या कुछ झेलना पड़ता था, जरा इनसे ये भी जानने की कोशिश करिए। जगह क्या हमारी घेर रखी है? जब आपके गाँव में आप ट्रैक्टर नहीं लाते थे, इसकी शिकायत आप जब किए थे, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई थी? कोई कार्रवाई कछू ना भाई, कोई कार्रवाई नहीं भाई, जे हमने नपवाओ और चक्रोट हमारे में आओ तो जकाई के जे बारी जगह पड़ी है और जे गूल तुम ले लियो, जे ले लियो सो जे देखो नाली फिर बनवाई दी, नाली बन गई पलंग छोड़वाई देखो। आपका भी खेत है, क्या आपके तरफ से जब शिकायत दी गई कोई एक्शन हुआ? ना कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। अच्छा हाँ कोई दबाव आता था? दबाव का जे अपने आप ही दबाव के इकट्ठे हो गए और हाल जे कासे जाए जाते। तो ये आप अपना दिखाएंगे कि कहां से आपने ट्रैक्टर ले जाते थे और दिखाते अपने खेत के बारे में बता, कैसे दिखाते? हम देखते हैं इनके साथ के, और यहां पर जब ट्रैक्टर लेके आते थे तो क्या तरह की परेशानी होती थी? ट्रैक्टर यहाँ से निकलता है तो एक घंटा हम लोग खड़े रहते हैं यहाँ, ट्रैक्टर खड़ा रहता है। अच्छा। तब ये रिंची आती है, तब यहाँ से खुलता है, तब हम अंदर प्रवेश होते हैं। आज क्यों हटा दिया इन्होंने? आज तो अपने आप ही हटा दिया इन्होंने। अच्छा। हाँ हमें कोई जरूरत थोड़ी है इसमें जाने को। अच्छा। आज इन्होंने अपने आप हटा दिया। अपने आप खेत दिखाएंगे तो यहाँ पर कित आपको जब यहाँ पर ये बनाया गया, पहले यहाँ पर था कुछ यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं था। कुछ नहीं। ये कब बना है? जो अभी अभी जो नल फल गड़गा है जो 10-12 साल से। अच्छा 10-12 साल, यानी ये परेशानी 10-12 साल से हो रही है। हाँ हाँ ये 10-12 साल से आप लोगों ने बात किया बाबा से कि ये दिक्कत हो रही है उनके खेतों में? ये दिक्कत।